पंचायत के निवर्तमान मुखिया से नाराज मतदाताओं ने इस बार बदलाव लाने और निवर्तमान मुखिया के विपक्ष में विकास करने वालों को मतदान करने का ऐलान किया है, जिसका खामियाजा निवर्तमान मुखिया को भुगतना पड़ सकता है। धनगढ़वा कोडिहार पंचायत के नाराज ग्रामीणों ने चुनाव सर्वे के दौरान हमारे संवाददाता राजेश कुमार वर्मा को बुलाकर उक्त जानकारी दिया। कोडिहार गाँव के 3 पुरुष और 1 महिला ने गाँव में नल लगने और जल नहीं आने, नाला सभी जगह पर नहीं बनने और जो बना है उस पर ढक्कन नहीं होने जैसे तमाम समस्याएं बताई और इस बार विकास के नाम पर मतदान करने की बात कही। साथ ही निवर्तमान मुखिया के अभी तक एक बार भी इस गांव में नहीं आने से समस्याएं बरकरार रहने और पैसे के बल पे चुनाव जीतने का आरोप लगाया। सेनवरिया गांव के एक पुरुष ने गांव में पूरा विकास कार्य होने की बात बयान की, जबकि उसी गांव के कोठी पर रहने वाली एक महिला ने आधा अधूरा विकास का काम होने का आरोप लगाया। लक्ष्मीपुर गांव के 2 युवकों ने लक्ष्मीपुर में पूरा विकास का कार्य होने और विकास के नाम पर मतदान करने की बात कही। अभी हम लक्ष्मीपुर पंचायत का चुनावी माहौल का सर्वे कर रहे हैं, इसका क्या स्थिति है इसके बारे में लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, ये आप अपने के पंचायत में विकास के काम हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है। मुखिया इधर नहीं आते हैं, मुखिया उधर रहते हैं। अच्छा, इधर नहीं आते हैं? इधर नहीं आते हैं, वोट में ही आते हैं बस, सिर्फ वोट मांगने के बाद। अच्छा, तो समस्या मतलब समस्या का समाधान नहीं हुआ है? समाधान हमारे गाँव क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? बहुत समस्या, नल जल लगा है? हाँ, नल जल तो लगा है, पानी आ रहा है? हाँ, पानी आ रहा है। नाला बना है? हाँ, नाला नाला बना है, नाला तो डुप्लीकेट नाला बना है सब। रोड रोड सब है ना? हाँ, रोड है। अच्छा, तो पेड़ उड़ लगा है, पुलिया उलिया बना है सब? नहीं, पुलिया उलिया नहीं बना, पेड़ नहीं लगा। अच्छा, कुछ नहीं लगा। तो आपके यहाँ समस्या मतलब कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है? हाँ, कुछ बाकी है। आप लोग चुनाव जो वोट देते हैं प्रत्येक साल, उसका आधार क्या होता है, किस आधार पर आप लोग? आधार जो लोग कहते हैं विकास के नाम पर देते हैं? हाँ, विकास के नाम पर। कि आपने आदमी के जो देख कर? ना, विकास के नाम पर दिया जाता है वो। तो विकास के नाम पर आप देते हैं? आपके यहाँ मुखिया एक ही आदमी कितना साल से है? घर कहाँ पड़े? घर मतलब कौन पंचायत में? धनगढ़वा पंचायत में। धनगढ़वा में बने? तो अपने के यहाँ विकास के काम कुछ भइल बा? विकास के काम यार खाली नाले भइल बा बस। तो अब कौन झापना अपना कुछ हो नहीं। और क्या का समस्या बा पंचायत में यहाँ? सड़क नाला बनल बा, रोड बनल बा, पोखरा खुनाइल बा? पोखरा ओखरा कुछ नहीं खुनाइल। पेड़ उड़ लागल बा? ना ना, नाला ना रोड बनल भैया, नाला खाली बनल भैया बस। वो नाला बढ़ कोनो पानी का निकासी कहल है। तो जे मुखिया यहाँ बाड़े हैं वो कितना साल से बड़े यहाँ लगा? बहुत साल से बाँ, वो खाकड़ा बैमान बटे। क्या नाम अपने के? मीरा देवी। कहाँ घर बा? इतना दिन से कोई मुसमाती नहीं को बनावता थे ना कुछ। कहाँ घर बा अपने? कौड़ियार में? हाँ, कौड़ियार। तो इतना दिन से कौन आधार पर वोट देते नहीं हुआ? ना क्यों ना पैसा ले लेके क्यों खा दे ला, क्यों मुसमाती ना बनवाता थे? इतना दिन हो गई, 10 बरस 8 बरस 9 बरस मर मालिक मर लाज लेके ना मुसमाती बनावता। विधवा पेंशन ना मिलल बा? ना कुछ ना, बाकी पैसा ले लेला लोग खा जाला कुछ ना करे लके। और सब समस्या सब काम हो गेल बा सब ए पंचायत में? केहू ना कुछ करे ला, ना या वाला पहिले वाला ना युवा दल में पहिले वाला केहू कुछ ना करे ला, कुछ ना करे ला, ना लोग नहीं लगा केहू ना बनवा वाला सरम के। तो कौन कौन खाली वोट ला वाला लोग वोट दियो, तो कौन वोट भी जाय त केहू के केहू ना कौन आधार पर रहुआ वोट देवेनी वो लोग के? कि मैनेजर जो काम में ना करले तो वोट काहे देवेनी? कोशिश कौन आधार पर? विकास के नाम पर दिया ला, और हम कहले विकास करेंगे। हां, विकास के नाम पर दिया ला कि हई काम करवा देम तार राउ वही मुसमाती बनवा दे मई करवा दूं केहू कुछ ना करेला। अच्छा, तब ले लेके खा जाला लोग कुछ ना करेला, कुछ करेला कुछ ना करेला। अब की बात के जवाब का निर्णय रे वाला के बा वोट के तरह देवक बा, देवक बा कि नहीं देवक, केकरा के देवक बा माने विकास वोट देवक बा? नु नाम गोपीचंद महतो। घर कहां पड़ी? सेनवरिया। क्या का यहाँ समस्या बा अपने के यहाँ? सब समस्या ठीक बा जननी, बाकी वह एगो समस्या हमनी के गांव में दिक्कत बा से पोखरा के पानी के निकास हो जाए तो में नाला के पानी गिरा दहल बटे। अच्छा, वह हमनी के बहुत दिक्कत बटे, बाकी सब नल जल लागल बा? हाँ, नल जल लागल बटे। पेड़ उड़ लागल बा? हाँ, पेड़ उड़ लागल बा। पोखरा उखरा भी खुनाइल बा? पोखरा नहीं क्या खुनाइल, पुराने पोखरा गाँव में बीचा गाँव में बटे। अच्छा, रोड उड़ बानू सब? हाँ, रोड चारू उरी हो गई बा,
तनका दूर बाकी बाटे तो वो सोलिन लागल खुए वो हो जाइए। तो यहाँ के माहौल पर चुनाव के केकरा मने आधार पर वोट के आधार पर देवनी जे विकास कर ला ओकरा के देवनी कि यही तरह जे जे विकास करत है क्या नाम हुआ पहले नाम मेरा नाम पवन यादव हुआ और घर कहाँ हुआ और यार अच्छा आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है। हमारे पंचायत में नाला या रोड का समस्या है जल का समस्या है नल जल लगा है नल जल अधूरा लगा हुआ है। अच्छा पानी नहीं आ रहा है पानी नहीं आ रहा है कहीं अच्छा। लग में नहीं किया है कहीं पानी ही नहीं आ रहा है नाला नहीं बन में नहीं किया है नाला बना है जो टेम्पोररी नाला हुआ है देख लीजिए नाला की स्थिति देख लीजिए। अच्छा तो इसके लिए आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हम लोग मैं जनप्रतिनिधि को बोले वार्ड को बोले हर आदमी को बोले कि भाई हमारे पंचायत हमारे गाँव का काम सुधार नहीं हो रहा है सही ढंग से कीजिए वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा तो आप लोग हर साल वोट देते हैं एक ही आदमी आपके यहाँ में हमेशा मुखिया बनता है पहले उनका क्या नाम हुआ आपका। नया वाला मुखिया पति। अच्छा ये पंचायत क्या हुआ आपका। ग्राम पंचायत राज झंगड़वा कोरिया। दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं ये दूसरी बार है। आपके पंचायत में कुछ जगह पर जैसे हम सर्वे किए उसमें कुछ लोगों का आरोप है कोरिहार के लोगों का कि मुखिया बनने के बाद वो मुखिया जी आते नहीं है हमारे पंचायत में। देखिए जहाँ जब जरूरत होता है वहाँ पे रहते हैं और कुछ समस्या का भी लोग बता रहा था कि जैसे नल है तो पानी नहीं आ रहा है नाला कहीं कहीं बना है कहीं नहीं बना है उसके बाद ढक्कन नहीं लगा है तो देखिए जितना बन पड़ा है उतना नाला जैसे हमने बनाया है और नल जल का जैसे ये है से जहाँ तक गया है नल जल 11 वार्ड में भी पानी जाता है ये मेरा अपना दावा है से नल जल मेरा चालू रहता है। सेनवरिया गांव में भी कुछ जगह पर रोड थोड़ा बहुत नहीं बना है कुछ जगह बना है और नाला का ऊपर ढक्कन नहीं है बना है। नहीं ढक्कन वाला नाला वो नहीं है ओपन नाला है और सेनवरिया में लगभग सब रोड बन चुके हैं। नाम बताइए घर कहाँ हुआ। लक्ष्मीपुर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर काम हुआ है। हाँ काम हुआ है। अभी चुनाव का माहौल क्या स्थिति है कैसा स्थिति है वोट लोग किस आधार पर दे रहा है। अभी चल रहा है काम तो हुआ है विकास कुछ हुआ है अभी चल रहा है। मतलब यहाँ का लोग वोट किस आधार पर दे रहा है विकास के नाम पर दे रहा है कि व्यक्ति के नाम पर दे रहा है कि जाति के आधार पर दिया जा रहा है। अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग। अनुमान नहीं है। अनुमान नहीं है मैंने यहाँ का आप लोग वोट करते हैं ना हर साल तो किस आधार पर करते हैं जाति के आधार पर करते हैं कि विकास के नाम पर करते हैं। विकास के नाम पर हम लोग करते हैं व्यक्ति के नाम पर नहीं। अभी भी वोट लो आप लोग कीजिएगा विकास के नाम पर। अब देखिए तो अभी तो हम नहीं तो नहीं बिना विकास करने वाला अभी आदमी को आप लोग वोट देते हैं क्या। नहीं है नहीं। तो फिर आप कह रहे हैं देखिए तो एक मुद्दा होना चाहिए कि हम या तो विकास के नाम पर वोट दें या फिर जाति के नाम पर वोट दें। विकास के नाम पर हम लोग वोट दिया जाएगा। जी कुमार गिरे। कहाँ घर हुआ आपका। लक्ष्मीपुर। कितना दिन से मतलब यहाँ आप रह रहे हैं। हम तो यहाँ पर मेरा जन्म हुआ तब से यहीं पे है। तब तो आपको मालूम होगा यहाँ पर क्या स्थिति है विकास हुआ है काम। विकास हुआ है। ओ तो अभी चुनाव का स्थिति में क्या स्थिति है मैंने उधर हम बात किए हैं तो कुछ लोग बोला है जाति के आधार पर भी कुछ लोग वोट दे रहा है कुछ लोग विकास के नाम पर दे रहा है। नहीं नहीं विकास जो हुआ है उसी के आधार पर वोट किए यहाँ विकास के नाम पर हो रहा है। अभी मतलब कौन कितना प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा है आपके यहाँ। वो हमको नहीं जानकारी है कितना प्रत्याशी। अच्छा कितने लोगों के बीच में लड़ाई। R9 भारत के लिए रक्सौल से राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 50वीं वर्षगांठ पर रामचरित सिंह महाविद्यालय मंझोल में अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल पुरुष वर्ग की 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व मंत्री रामजीवन सिंह ने किया। समारोह के पूर्व आगत अतिथियों का कॉलेज प्रबंधन के द्वारा अंगवस्त्र व पौधा देकर सम्मानित किया। NSS से जुड़ी छात्राओं ने स्वागत गान गाया। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री रामजीवन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि जिस कॉलेज को स्थापित किया गया है वह पल्लवित पुष्पित हो रहा है। सभी युवा देश विदेश में जाकर कॉलेज का परचम लहराते हैं। ये कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करे यही कामना और शुभकामना है। अंत में प्रिंसिपल डॉक्टर अवधेश सिंह ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उद्घाटन मुकाबला APSM बरौनी और
SBSS कॉलेज के बेगूसराय के बीच खेला गया। समाचार प्रेषण तक मैच जारी था। इस अवसर पर RCS कॉलेज मंझोल के भूगोल विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रविकांत आनंद द्वारा लिखी गई दूसरी किताब एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का विमोचन पूर्व मंत्री राम जीवन सिंह समेत मौजूद सभी अतिथियों ने किया। लड़के लोग खूब खेल में इंटरेस्ट लें, खूब खेलें, इससे स्वास्थ्य भी होता है, अनुशासन भी मिलता है और टीम की भावना भी पैदा होती है आपस में। खेल के मैदान से तीन चीज़ें मिलती हैं, स्वास्थ्य मिलता है, सक्रियता मिलती है और सबसे ज़्यादा टीम की भावना पैदा होती है कि कैसे हम मिल करके काम करें ये करने के लिए। मैं सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ और जीवन में खूब तरक्की करें और आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस ढंग से साल में एक बार दो बार कराया करें जिससे कि लड़कों में अनुशासन भी आएगा, खेल के प्रति रुचि भी जगेगी और फिर हम लोग हमेशा देखने का मौका भी मिलेगा। बहुत अभी आपने कोई खेल में इंटरेस्ट लिया था और खेला था तो कहाँ तक पहुँचे जी? आपका प्रिय खेल कौन सा है? मेरा अभी वॉलीबॉल ही खेल था। अच्छा, आपने वॉलीबॉल खेला था? जी, वॉलीबॉल खूब खेलता था, कॉर्नर से, सेकंड लाइन में कॉर्नर से मैं रहता था। जब कोई टीम भी कहीं से हो रहे तो मैं सेकंड लाइन में कॉर्नर से खेलता। किस टीम से खेलते थे सर जी? किस टीम से खेलते? नहीं, अपने जिसमें मैं विद्यार्थी था उस समय की बात में। मतलब अपने गाँव के लिए खेलते थे? हाँ, गाँव में, मैं गाँव में ही खेलता था अपने यहाँ करने के लिए। और फिर जेल में भी था तो जेल में भी इमरजेंसी पूरे दो साल उसमें खेल का, तो उस समय मैं खेलता था काफ़ी। एक जेल, दो जेल के बीच में था तो उसमें मैं कॉर्नर से खेलता था, अच्छा खेलता था वॉलीबॉल का। फुटबॉल हम नहीं खेलते, वॉलीबॉल खेलते थे। देखिए, खेल जीवन अपने आप में एक खेल है, समझे ना? और खेल में कहा ना कि खेल में स्वास्थ्य भी है, सक्रियता भी है, जवाबदेही है भी है और आपस में एक टीम की भावना भी पैदा होती है कि हम मिल करके करें, समझे ना? ये सारी चीज़ें इसमें है। और आप देखते हैं कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति रहती है, लेकिन दोनों का, वहाँ का इमरान खान और यहाँ का तेंदुलकर ही जो थे वहाँ के कपिल देव, आपस में न्योता पिहान सब चीज़ें राजनीति विभेद पैदा करती है और खेल मिल्लत और मोहब्बत पैदा। आपके कार्यकाल के समय यहाँ पर कर्पूरी स्टेडियम की घोषणा हुई थी, शिलान्यास भी हुआ। सौभाग्य है कि 50वां वर्ष में ये मेरा दूसरी जा रहा है। उस 50 वर्ष में मेरा आया हुआ आज 11 महीना 6 दिन हुआ है। मैं चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है और क्षेत्र के लिए और महाविद्यालय के लिए कि मैंने वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया हूँ और भविष्य में आशा करता हूँ कि और आगे टूर्नामेंट बढ़े। और आज के दिन ही, कल ही मुझे घोषणा मिली है कि हाँ, वॉलीबॉल महिलाओं का भी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वो मुझे प्रभार मिला है, वो आप लोग के सहयोग से वो भी सफल करूँगा। R9 भारत के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट, बेगूसराय से।